हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑफ एक्सरसाइज 8.3 पॉइंट थ्री ऑफ क्लास सेवन फ्रॉम पी एस सी बी टेक्स बुक एंड स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप अपने क्लासमेट्स के साथ एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड शी लूजेज ट्वेंटी परसेंट इन द बार्गेन वट वॉज द प्राइज एट विच शी बॉट इट सो so, जूही ने एक वॉशिंग मशीन को थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ में सेल कर दिया एंड इसमें उसको कितना लॉस हुआ ट्वेंटी परसेंट का हमने वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस निकालनी है मतलब वॉशिंग मशीन को उसने कितने रुपीज में बाय किया था ठीक है अब यहाँ पर लॉस हो रहा है उसको ट्वेंटी परसेंट का सो so, इसका क्या मतलब है कि उसने ज़्यादा रुपीज़ में वॉशिंग मशीन को बाय किया था एंड कम रुपीज़ में उसने वॉशिंग मशीन को सेल किया है ओके okay? अब यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में उसने उस वॉशिंग मशीन को बाय किया था वो निकालना है वो हमें नहीं पता तो उसको हमज्यूम कर लेते हैं एज रुपीज़ एक्स लेट दी प्राइस एट विच जूही बॉट दी वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स अब उसको लॉस कितना हुआ है ट्वेंटी परसेंट का सो so, मतलब उसने कितने रुपीस में उस वॉशिंग मशीन को सेल किया वो हम निकाल सकते हैं कैसे जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से 20% परसेंट लॉस को सब्ट्रैक्ट कर दो ठीक है सो सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस जिसको हमने ज्यूम किया है एक्स माइनस ट्वेंटी परसेंट ऑफ एक्स ठीक है इतने रुपीस सेलिंग प्राइस आप ऐसे ही निकालते हो ना कॉस्ट प्राइस में अगर तो आपको लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में से आप लॉस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट को ऐड कर दोगे ठीक है जी एंड आपको ये चीज़ मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर सो ट्वेंटी परसेंट जो लॉस हुआ है वो किस पर मतलब ट्वेंटी परसेंट किसका ट्वेंटी परसेंट ऑफ एक्स क्योंकि एक्स को हमने ज्यूम किया है कॉस्ट प्राइस ठीक है नाओ क्वेश्चन में आपको दिया है कि वॉशिंग मशीन उसने कितने रुपीज में सेल की है थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में सो so, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है वॉशिंग मशीन की थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो वेरिएबल की फॉर्म में हमने सेलिंग प्राइस क्या निकाली है मशीन की x माइनस ट्वेंटी परसेंट ऑफ x तो so, हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे एंड वी विल गेट दी वैल्यू ऑफ x सो वी विल राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 20 परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू 13,500. अब आप इसको सॉल्व कर लो x माइनस 20 परसेंट का क्या मतलब होता है 20 अपॉन हंड्रेड परसेंटेज का सिंबल किस में चेंज होता है 1 अपॉन हंड्रेड में ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है सो so यहाँ पर आ जाएगा x इक्ल्स टू थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आप यहाँ पर ना ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगा भी सकते हो अगर आपने नहीं लगाना तो भी इट्स ओके okay, क्योंकि हम यहाँ पर वेरिएबल लिख रहे हैं ना एक्स तो हम मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी लगाते सो दैट कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए एक्स एंड मल्टीप्लाई के सिंबल में ठीक है सो so इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है ये है मल्टीप्लाई का साइन ये है वेरिएबल एक्स सो ट्वेंटी वन ज़ा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ज़ा हंड्रेड एक्स माइनस एक्स अपॉन फाइव इक्वल्स टू थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो एलसीएम क्या आएगा फाइव आएगा बिकॉज यहाँ पर ये यह जो एक्स है इसका डिनोमिनेटर तो वन है राइट सो वन एंड फाइव का एलसीएम क्या आएगा फाइव अब यहाँ ऊपर क्या आएगा वो हम देखते हैं यहाँ पर देखो x का कोई डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ मतलब x का डिनोमिनेटर वन है सो so फाइव को हम वन के साथ डिवाइड करेंगे वी विल गेट फाइव एंड फाइव को फिर हमने ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है ठीक है आप ऐसे सॉल्व करते हो ना ये हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस एक्सरसाइज़स में सो so यहाँ पर आ जाएगा फाइव एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाय फाइव यहाँ पर वन आएगा एंड वन को ऊपर हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दिस विल बी एक्स इक्वल्स टू थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव एक्स माइनस एक्स दिस इज़ फोर एक्स अपॉन फाइव इक्वल्स टू 13,500. थाउजेंड 4x हंड्रेड नाओ फोर एक्स इज इक्वल टू ये जो नीचे डिनोमिनेटर में फाइव है ना लेफ्ट हैंड साइड पे. जब आप इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूमिरेटर में एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा सो एक्स इज इक्वल टू थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फाइव अपॉन फोर फोर राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में जाएगा ओके okay? अब आप इसको सॉल्व कर लो फोर वन ज़ा फोर फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व फिफ्टीन आए फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व थ्री बचे साथ में ज़ीरो फोर सेवन ज़ा ट्वेंटी एट टू बचे साथ में ज़ीरो फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी एक्स इज़ इक्वल टू फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फ़ाइव टू कैरी फाइव सेवन ज़ा थर्टी फाइव प्लस टू थर्टी सेवन थ्री कैरी फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन वन कैरी फाइव थ्री ज फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन सो एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन थाउजेंड एट सेवनटी फाइव एक्स को हमने क्या ज्यूम किया था वॉशिंग मशीन की कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में जूही ने वॉशिंग मशीन को बाय किया है सो so, एंड में हम लिख देंगे देआर फोर प्राइस एट विच वॉशिंग मशीन वॉज बॉट इज इक्वल टू रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड एट सेवेंटी फाइव दिस इज़ दी आंसर आप प्राइस मेंशन कर रहे हो ना यहाँ पर सो so आंसर में आपने रूपीज साथ में जरूर लगाना है ओके सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर सिक्स इन द कमिंग वीडियोस वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चन थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर